हे गाइस, सो आज मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट 3 राइजर के वर्कआउट के बारे में, जो कि बिगिनर अपने शेड्यूल में ऐड कर सकता है। तो कौन सा है वो बेस्ट 3 राइजर के वर्कआउट, चलो देखते हैं एंड स्टार्ट करवाता हूँ। मेरा नया बिगिनर स्टूडेंट है जो कि हाल ही में, मतलब एक हफ्ता हुआ है, आर्म लिफ्टिंग कर रहा है, तो उसको मैं 3 बहुत तगड़े तगड़े राइजर के वर्कआउट आज करवाऊंगा एंड आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन सा वो राइजर का वर्कआउट है। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं राइजर के वर्कआउट के साथ। एक राइजर का वर्कआउट जो कि बिगिनर लोगों के लिए है एंड राइजर का सबसे बेस्ट वर्कआउट बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे जो शोल्डर एंड रिस्ट है इनका अलाइनमेंट सेम रहेगा। हम लोग देख सकते हो शोल्डर एंड रिस्ट का अलाइनमेंट सेम रहेगा, नकल जाएगा इस नकल के ऊपर से, बेल्ट जाएगा इस नकल के ऊपर से एंड इसको पूरा राइज करना पड़ेगा आल्टो क्रैश पे। हाँ एग्जैक्टली, एंड इसमें बहुत ही लाइट वेट आप लोग लेके ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन कर सकते हो, इससे आप लोगों का राइजर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। सो अब ये थर्ड वर्कआउट राइजर के लिए एंड ये भी बहुत बेस्ट वर्कआउट है फॉर बिगिनर्स। देख लो क्या पोस्चर रहेगा राइजर में होल्ड करने के बाद, ओनली ये हैमर कर्ल्स पोजीशन में जस्ट कर्ल करना पड़ेगा राइजर के थ्रू एंड ये पूरा आइसोलेशन वर्कआउट है। लास्ट में ये राइजर को पूरा आइसोलेट कर देता है, लास्ट में होल्ड अवे, होल्ड लास्ट में 10 सेकंड्स होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गाइस ये है राइजर का फोर्थ वर्कआउट जो कि बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है एंड इसमें भी हम लोगों का राइजर एक्टिवेट रखते हुए इसमें हम लोगों को कर्ल करना पड़ता है, इट टू स्लो, इसमें हम लोगों को कर्ल करना पड़ता है एंड रिपीटेशन वर्कआउट होगा। ये वर्कआउट हम लोग जिम में भी परफॉर्म कर सकते हैं अपने बारबेल से, कोई भी बारबेल से। सो इस वर्कआउट में भी राइजर बहुत ज्यादा आइसोलेट होता है, नहीं लास्ट में होल्ड करना पड़ता है 15 रिपीटेशन, उसके बाद होल्ड मोमेंट में 10 सेकंड होल्ड। बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, बिगिनर के लिए वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है, बिना प्लेट का भी आप लोग कर सकते हो अगर ज्यादा आपको हेवी लगे तो। कम ऑन